हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में क्या होता है। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2022-23 चल रहा है, उसका पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है 12 मंथ्स, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक उसका पीरियड होता है। अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2022-23 का असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से 12 मंथ्स। उसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, टोटल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 2022-23 का असेसमेंट ईयर। तो 2022-23 का असेसमेंट ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, नेक्स्ट 12 मंथ्स होगा। ऐसा ही कोई असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर कैसा होगा, कोई भी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर क्या है ना, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसका मतलब हमारा जो ये अगर असेसमेंट ईयर 2023-24 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इन नटसेल कोई भी फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होता है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। कोई भी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा। अभी अगर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर। तो असेसमेंट ईयर होगा 2021-22 फाइनेंशियल ईयर होगा उसका असेसमेंट ईयर। ऐसा ही फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो होगा कौन सा असेसमेंट ईयर होगा, 2022-23। ऐसा ही फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 होगा। अगर हम असेसमेंट ईयर 2021-22 का लेंगे, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, वो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा। तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2021 होगा। तो ऐसा ही ये असेसमेंट ईयर 2022-23 का प्रीवियस ईयर होगा ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर या 2023-24 का प्रीवियस ईयर क्या होगा ना, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 होगा। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कोई भी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर होगा प्रीवियस फाइनेंशियल, जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर इसके बारे में और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।